बीते कल पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा श्री दरबार साहिब नतमस्तक हुए सी, जिथे सियासी बयान देंदे देंदे उन्होंने यह गल भी आख दिती सी कि औरतों नूं जिहड़ा 1000 रुपया महीना देण दा असी वादा कीता सी उसी पूरा जरूर करना चाहुंदे आ, पर जिहड़ा खजाना है वह पुरानियां सरकारां खाली करके चलिया गई ने। भाव के उन्हां दे कहण दा यह मतलब है कि जदों खजाना भरेगा जां खजाने दे विच थोड़ी जी बरकत आएगी तो उस तों बाद ही औरतों नूं 1000 रुपया देना जिहड़ा है वह शुरू किया जाएगा, जिस तों बाद कि हुण विरोधियों के निशाने ते आ गए ने कुलतार सिंह संधवा। हुण भाजपा लीडर दे वल्लों एक वड्डा बयान दिता गया कि आम आदमी पार्टी दे सारे वादे झूठे निकले ने, बिल्ली थैले चों बाहर आ चुकी है, आम आदमी पार्टी झूठे वादे करके सत्ता दे विच आई है। भाजपा लीडर ने इत्थों तक यह गल भी आख दिती है कि लोगों नूं आम आदमी पार्टी ते हुण यकीन नहीं करना चाहिए, पंजाब सरकार ने लोगों नाल कीता कोई भी वादा पूरा नहीं करना। आओ सुनदे हां की कहना है भाजपा आगू दा कुलतार संधवा दे औरतां नूं 1000 रुपया महीना देण वाले बयान दे उत्ते। अज बिल्ली थले चो बाहर आ गई और आम आदमी पार्टी केजरीवाल भगवंत मान का झूठ लोगों के सामने आ गया। अज कुलतार सिंह संधवा जी कहते ने कि असी भैणां नूं 1000 रुपया महीने का नहीं दे सकते क्योंकि साडा खजाना खाली है। और चुनाव तो पहला जो भारतीय जनता पार्टी कहती सी कि तुसीं जिहड़े वादे कर रहे हो यह झूठ और फरेब है, पंजाब का खजाना खाली है, जे खजाना खाली है तो 1000 रुपया किवें दोगे। तो उस वेले केजरीवाल जी की कहते सन 54,000 करोड़ रुपया तो मेरी जेब च पिया हुआ है, जितन सरकार बनेगी 54,000 करोड़ रुपया सरकार को सीधा आमदन का जरिया मैं बना के देंगा। अज केजरीवाल जी कितने हो 54,000 करोड़ रुपया, कितने भैनों के खाते पैन वाला 1000 रुपया, कितने 300 यूनिट फ्री बिजली, कितने नौजवानों नौकरी, कितने है बेरोजगार पत्ता, कितने है जेडे कॉन्ट्रैक्टर इंपलॉइज ने उन्होंने पक्के करने का वादा। और तुसी एक एक करके अपने सारे वादे तो मुकरदे पे हो और पंजाब की जनता के सामने तुहाडा असली चेहरा सामने आ रहा है और तुहानू शर्म आनी चाहिए है कि चुनाव जीतने वास्ते तुसी इन्नी हल्की राजनीति करोगे, लोगों का धोखा करोगे, फरेब करोगे। इस तरह की राजनीति ज्यादा देर नहीं चलती और पंजाब की जनता तुहानू इसका सबक सिखाएगी।